नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होने वाली है कौन से 5 रुपये कीमती है जिनकी आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ पुराने सिक्के पड़े हैं, पुराने 5 रुपये के सिक्के पड़े हैं, तो उनको बेचने से पहले दोस्तों एक बार सोच लीजिए। और काफ़ी 5 रुपये के सिक्के ऐसे होते हैं जो नॉर्मली जो अभी चल रहे हैं सर्कुलेशन में हैं, और उनकी वैल्यू उस 5 रुपये के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। अगर आपके पास जो सिक्के मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास है, तो दोस्तों उसका मैं बायर हूँ, मैं आपसे वो खरीद लूंगा अगर आपके पास वो 5 रुपये के सिक्के अवेलेबल हैं। क्योंकि दोस्तों वो थोड़े से रेयर हैं और स्केयर कॉइन है, वो उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है मार्केट में। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे जो कीमती है, सबसे महंगा जो 5 रुपये का सिक्का है उसकी क्या वैल्यू है। और अगर वो सिक्का आपके पास है दोस्तों, तो वो मैं आपसे जरूर खरीद लूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी आज छोड़ देता हूँ दोस्तों, तो उस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये जो मैं आपको सिक्के आज बताने वाला हूँ उनमें से कोई सिक्का आपके पास अवेलेबल है, तो दोस्तों मैं उसकी आपको अच्छी खासी वैल्यू दे सकता हूँ, मैं आपसे वो खरीद लूँगा। क्योंकि दोस्तों मैं कलेक्शन का काम ही करता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या 5 रुपये के दोस्तों कौन से सिक्के रेयर है जो काफ़ी बेनिफिशियल है और आपको अच्छी वैल्यू दिला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सिक्के जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टील में बने हुए सिक्के हुए हैं। बाकी इनको बोलते हैं दोस्तों ये कॉपर निकल के सिक्के हैं। ये सिक्के जो दोस्तों आप ये हाथ में देख रहे हैं मेरे, ये कॉपर निकल के सिक्के हैं, और ये दोस्तों स्टील के सिक्के हैं। तो अगर इस तरह का कोई सिक्का आपके पास पीछे प्लस मार्किंग में है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा स्टील का अगर कोई सिक्का आपके पास ऐसा पीछे प्लस है, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए प्लस, ठीक है दोस्तों, वो सिंगल प्लस होना चाहिए। और ऐसा स्टील में अगर कोई सिक्का आपके पास है 2007 का, तो दोस्तों उसकी जो वैल्यू है वो 700 रुपये से 1000 रुपये तक है। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर ऐसा स्टील का कोई सिक्का आपके पास है जिसके पीछे प्लस बना हुआ है और 2007 में उसकी मिंटेज हुई थी, तो वो सिक्का दोस्तों 700 से 1000 रुपये के आसपास का सिक्का है वो। अगर आपके पास वह सिक्का है तो दोस्तों आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और बाकी मैं व्हाट्सअप नंबर आपको अपना दूंगा, तो उस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 2007 का सिक्का है प्लस वाला, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अगर है तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों। अब दूसरे सिक्के की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा सिक्का है दोस्तों इसी टाइप का, जो दोस्तों वो है बाल गंगाधर तिलक का। ये दोस्तों एक्चुअली 3 टाइप में सिक्के बनाए गए थे बाल गंगाधर तिलक के, वो इसी तरह का है कॉपर निकल का। एक्चुअली ये सिक्के मेरे पास थे दोस्तों, 5 रुपये का प्लस वाला सिक्का बाल गंगाधर तिलक का, लेकिन ये दोस्तों मैं सेल कर चुका हूँ, काफी टाइम हो चुका है, और मैं इसका बायर हूँ, मैं दोबारा आपसे वो खरीदूंगा अगर आपके पास ये सिक्के अवेलेबल है। तो दोस्तों 3 टाइप में वो सिक्का बना था, 2 टाइप में बना था दोस्तों ऐसी ऐसे धातु में बना था कॉपर निकल में, और एक बना था दोस्तों ऐसा स्टील में। बाल गंगाधर तिलक का है दोस्तों वो सिक्का, पीछे की तरफ बाल गंगाधर तिलक का पोर्ट्रेट बना हुआ है, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हो उनका पोर्ट्रेट बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, दादा भाई का। तो इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक का पोर्ट्रेट बना हुआ है, और 3 टाइप में सिक्का आया था। और दोस्तों जो कॉपर निकल में 2 सिक्के बने थे, उनमें से दोस्तों एक सिक्का जो रेयर है, क्योंकि वो जो कॉपर निकल में 2 सिक्के बने थे उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, एरर मिस्टेक, जो फर्स्ट इशू हुआ था, जो पहले सिक्का जारी हुआ था कॉपर निकल वाला, उसमें बाल गंगाधर तिलक जी था दोस्तों। तो उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़े कॉन्ट्रोवर्सी इशू हो गया था कि जी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए। तो वो जी को फिर बाद में बंद करके बाल गंगाधर तिलक वाला फिर सिक्का जारी हुआ था। तो दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक जी वाला सिक्का है वो थोड़ा सा रेयर सिक्का है, और उसकी जो वैल्यू है दोस्तों 1500 से 1700 रुपये है दोस्तों यूएनसी कंडीशन में। अगर आपके पास वो सिक्का है तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं, उस सिक्के की दोस्तों आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। अब बाकी ये सिक्के जो आप दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं, इनमें से जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा स्केयर कॉइन हो जाएगा, थोड़ा रेयर हो जाएगा, वो ये वाला सिक्का है दोस्तों। ये आप पीछे की तरफ देख सकते हो, सारी चीजें इसमें मेंशन है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये श्रम जगत का सिक्का है दोस्तों, और ये सिक्का थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए सिक्के की क्या इमेज है दोस्तों, ये थोड़ा सा सिक्का आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि तीसरा कौन सा सिक्का जो है रेयर है, वो मैं आपको बता दूं। वो सिक्का दोस्तों जो बना था वो कॉपर और निकल में बना था। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कॉपर निकल और स्टील के सिक्के कैसे होते हैं। इस सिक्के को बोलते हैं, ये जो आप सिक्का देख रहे हो बीच में भगत सिंह का पोर्ट्रेट बना हुआ है, ये सिक्का है दोस्तों स्टील का। बाकी ऐसे सिक्के को बोलते हैं दोस्तों कॉपर निकल, इसमें जो धातु मिक्स होती है दोस्तों वो कॉपर निकल की होती है। तो
ऐसा स्टील में एक सिक्का बना था दोस्तों, जिसके पीछे गांधी जी हैं और वो चरखा लेके बैठे हैं। गांधी जी चरखा चला रहे हैं उस सिक्के में, ठीक है। ऐसा स्टील में है वो सिक्का और चरखा उसमें गांधी जी चला रहे हैं। एक्चुअली वो यूएनसी जो था वो प्रूफ सेट के उसमें जारी हो गया था वो सिक्का, बिल्कुल उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी क्वालिटी है, और पीछे जो पोर्ट्रेट बना हुआ है गांधी जी का चरखे वाला, वो बिल्कुल एकदम शार्प है, काफी अच्छी कंडीशन का वो सिक्का है। और अगर आपके पास वो सिक्का है तो दोस्तों उसकी 700 से 1000 रुपये आपको मिल सकती है। अब आप ये सोच के चलिए दोस्तों, एक सिक्का है 5 रुपए का जो अभी भी सर्कुलेशन में है, लेकिन उसको दो उसकी दोस्तों आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। अब बाकी देखिए दोस्तों, मेरे पास ये और भी 5 रुपए के सिक्के हैं, ये स्टील के हैं दोस्तों सभी। आप पीछे देख सकते हो, ये भारतीय स्टेट बैंक का सिक्का है स्टील का, ये भगत सिंह जी का सिक्का है, भगत सिंह का, और ये ONGC का सिक्का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये महात्मा जी का सिक्का है, पीछे आप देख सकते हो। तो ये दोस्तों सारे स्टील के सिक्के हैं, बाकी ये सारे कोपर निकल के, इस साइड ये जो रखे हैं सारे दोस्तों, ये कोपर निकल के हैं और ये स्टील के हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास भी गांधी जी का वो चरखे वाला सिक्का है जो कि स्टील में बनाया गया था, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी कमेंट डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो उस पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले सिक्के की। ये है दोस्तों कॉपर निकल। आपने एक सिक्का देखा होगा दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील में भी बनाया गया था, स्टील में, ये स्टील में बनाया गया था और ये कॉपर निकल में। तो वो है दोस्तों दांडी मार्च वाला, उसके पीछे आपने देखा होगा 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च, यानी कि 75 साल हो गए थे दांडी मार्च की यात्रा को। तो दोस्तों वो दो वैरायटी में बना था, एक स्टील में बना था और एक ऐसा कॉपर निकल में बना था दोस्तों। तो उसमें से दोस्तों इन दोनों में से जो रेयर है, क्योंकि जो स्टील वाला है वो सर्कुलेशन में काफी देखने को मिल जाता है अभी भी, लेकिन जो कॉपर निकल वाला है दोस्तों वो काफी रेयर सिक्का है और वो इजिली अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी दोस्तों मिंटेज भी काफी कम हुई थी। बाकी ये जो स्टील वाला सिक्का था ये काफी ज्यादा नॉर्मल सिक्का है, कॉमन सिक्का है, जो इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास दांडी मार्च वाला सिक्का कॉपर निकल में है, तो उसकी जो दोस्तों अभी वैल्यू है वो 1500 से 1600 रुपए है यूएनसी कंडीशन में। और अगर आपके पास कॉपर निकल वाला दांडी मार्च का सिक्का है 5 रुपए का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो सिक्का मैं आपसे ले लूंगा दोस्तों। तो ये चीज आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, जो सिक्के मैं आपको बता रहा हूँ 5 रुपए के, का कौन कौन से सिक्के रेयर है, किसकी वैल्यू आपको अच्छी मिल सकती है, तो ये चीज आप नोट भी कर सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं अगर किसी सिक्के का आपको दोस्तों लेना है तो। बाकी सबसे जो महंगा सिक्का दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 रुपए का, वो है दोस्तों इस टाइप का सिक्का है दोस्तों, वो क्रॉप साइंस का। उसके पीछे जो दोस्तों लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस, और 1996 में वो सिक्का जारी हुआ था। उसकी जो दोस्तों मिंटेज थी वो सिर्फ 11,000 सिक्के जारी हुए थे, और वो एक रेयर सिक्का हो चुका है, 5 रुपए का सबसे ज्यादा रेयर सिक्का है वो। और 5 रुपए के जितने रेयर सिक्के हैं सबसे ज्यादा वैल्यू दोस्तों उसी की आज के टाइम में है। पीछे उसमें दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है दोस्तों द्वितीय अंतरराष्ट्रीय फसल विज्ञान, ठीक है दोस्तों, क्रॉप साइंस वाला उसको कॉइन बोलते हैं, और वो 1996 में जारी हुआ था। इसी तरह का था वो कोपन निकल का, और पीछे से दोस्तों थोड़ा थोड़ा सेम ऐसी था। तो उसकी अभी वैल्यू जो चल रही है दोस्तों वो 10 से 11 हज़ार रुपये चल रही है क्रॉप साइंस वाले 5 रुपए के सिक्के की, क्योंकि उसकी मिंटेज सिर्फ 11,000 हुई थी, तो 11,000 उन सिक्कों की ढलाई हुई थी, इसी कारण से दोस्तों वो रेयर है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही सिक्के हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 5 रुपए के कौन कौन से आपके पास पुराने सिक्के हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैंने फर्स्ट सिक्का आपको बताया था 5 रुपए का, वो प्लस वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो स्टील में एक्चुअली सिक्का बना था इसी तरह का, और 2007 में बना था। उसके पीछे दोस्तों इस तरह का प्लस मार्क था, ये आप देख सकते हैं, लेकिन उस सिक्के में थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी इस प्लस को लेके। तो उस सिक्के की दोस्तों जो है ढलाई काफी कम हो गई थी, और वो सिक्का बहुत कम बना था, बंद करनी उसकी जो मिंटेज थी वो बंद करनी पड़ी थी। तो ऐसा प्लस का मार्क है दोस्तों उसके पीछे। और अगर आपके पास वो सिक्का है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या कौन कौन से सिक्के आपके पास है। और अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों तभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। इस वीडियो को दोस्तों अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास किसी फैमिली मेंबर्स के पास या किसी दोस्त के पास भी ऐसे 5 रुपए के पुराने सिक्के हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो सिक्के दोस्तों आज मैंने आपको बताए हैं, 5 से 6 सिक्के मैंने आपको बताए जिनकी अच्छी खासी वैल्यू है, मैंने सबसे सस्ते रेयर कॉइन के बारे में भी बताया आपको, सबसे महंगे रेयर कॉइन के बारे में बताया,
यानी कि 11,000 से लेके और 700 रुपये तक के सिक्के, 5 रुपये के मैंने आपको बताया, जानकारी दी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी सिक्के के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पुराने सिक्कों की वीडियो देखने का शौक है तो आप मेरी चैनल पर जाके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ पुराने सिक्कों से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को दोस्तों आज यहीं खत्म करते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।